कोरोना संकट में जहां हर दिन लोग मानव सेवा करते हुए भोजन वितरित कर रहे थे, वहीं महामारी कम होते ही शहर में फिर सड़क पर गरीब लोगों को खाने की परेशानी आ रही थी। ऐसे में इंदौर के खजराना स्थित नाहर शाह वली दरगाह के परिसर में मानव अधिकार सहयोग द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए 20 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं समिति फयाज अहमद और अख्तर नेता ने बताया कि लोग 20 रुपये देने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। संस्था के लोगों की माने तो साल में 365 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत खाना शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार सुबह से इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है कि शहर में कोई भूखा न रहे। जहां मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मानते हुए मानव अधिकार सेवा संस्थान द्वारा भोजन योजना शुरू की गई है। सोमवार को योजना की शुरुआत में फिरोज वेल्डर, अयाज गुड्डू, शराफत गुड्डू, अभिजीत राठौर सहित कमेटी के कई लोग मौजूद रहे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 20 दिन हो गए इसको चालू करे हुए हमें, और सिर्फ यही चाहते हैं कि गरीबों की सेवा हो, भूखों को खाना मिले। नहीं, ये सोच कहाँ से चालू हुई, क्या आपके ऐसे समझ में आया था कि आज ऐसी चीज़ चालू करना चाहिए? बस यहाँ पर कुछ लोगों को देखा कि उन लोगों को खाने को नहीं है, तकलीफ में है, तो बस एक सोच बनी और हम लोग हाथ दे रहे हैं। हमारा ये कौन सी संस्था के द्वारा ये मानव अधिकार संस्था? नहीं, इसमें देखने में यह आया है कि सातों दिन तक अलग व्यंजन मिलता है लोगों को जी, तो ये कैसे कर लेते हैं? बस ये सरकारी करा देते हैं, ऊपर वाला ही इंतजाम कराता है साहब। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, ऊपर वाला भी खुश। जैसे आज का आपका मेनू क्या है? दाल रोटी सब्जी चावल। चावल कितने लोगों का भोजन रोज? कम से कम 300 लोग। MY भी जाता है साहब और यहाँ भी बनता है। कैसा लगता है आपको आज का जो दौर है, जो लोग कोरोना महामारी से निकल रहे हैं, वो जब आप भोजन देते हैं लोगों को, तो किस तरह से कैसा लगता है? बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा दिल को बड़ा राहत मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी को खिलाया नहीं, अपना पेट भर गया हो बस। एक बात यहाँ भी देखने में यही, कोई यहाँ मजहब की बंदिश नहीं है? नहीं नहीं साहब, कोई मजहब पे कोई मामला नहीं है उसमें। नॉन वेज का तो मामला बिल्कुल साफ सुथरा, वेज खाना बनता है, नॉन वेज का कोई काम नहीं है। इसमें सभी लोग आके, सभी धर्म के लोग आके खाना खाते हैं। आपका परिचय? फयाज अहमद, मानव अधिकार प्रमुख पूरे प्रदेश का। जी बताएं अख्तर भाई, जो जिस आपसे ये जो फ्री निःशुल्क भोजन सेवा करी है, हम लोगों को भी अभी कुछ समय पहले संज्ञान में आया कि फैयाज भाई जो मानव अधिकार सहायता संस्था के प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने दरगाह नहरशाह वाली सरकार के यहाँ पर 20 रुपये में भरपेट भोजन चालू करा, बिल्कुल शुद्ध खाना दे रहे हैं वो। और जो 20 रुपये देते हैं उनको खाना दिया जाता, और जो नहीं दे पाता, जो गरीब है, उसको निःशुल्क पैकेट और खाना यहाँ खिलाया जाता है, कुछ अस्पतालों में भेजा जाता है। ये एक इतना संस्था द्वारा बहुत ही अच्छा, फैयाज भाई और इनकी टीम द्वारा काम किया जा रहा है। इसमें हम लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आज ऐसे दौर में जब कोरोना महामारी जो पांव पसारे हुई है और इस तरह से लॉकडाउन 3-3 महीने का चल रहा है, ऐसे दौर में जो गरीब रोटी के लिए इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े राहत का पैकेज है ये। और इस संस्था द्वारा इस दरगाह पर जो खाना वितरित किया जाता है, 20 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जा रहा है, इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सभी तरह के लोग, हर जाति का, हर मजहब का व्यक्ति यहाँ आता है। लेडीज़ें आती हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। एक देखने में तो ये भी आया कि मानो एक उसमें कई यतीम बच्चियों की शादियों का भी बीड़ा उठाया। हाँ, मेरी मानव अधिकार सहायता संस्था के जो प्रदेश प्रभारी फैयाज भाई, इनकी टीम से बात हुई है, इन्होंने उसमें प्लानिंग रखी है। आगे गरीब बच्चियों का भी ये निःशुल्क शादी ब्याह और सभी जातियों के शादी ब्याह, जो सभी जातियों के गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी शादी ब्याह निःशुल्क कराएंगे। और आगे चल के इसको ब्रॉड, इसका एरिया बहुत ब्रॉड करना है और बहुत आगे बढ़ाना है इसको। इसलिए हम लोग भी, अच्छा काम है और मतलब समाज में ऐसा काम है कि जिससे आज खाना कोई भूखा खाता है तो उसकी आत्मा अंदर से दुआ देती है। तो हम लोग सब साथ मिलकर इनका साथ दे रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपका सुपरिचय? मेरा नाम अख्तर जावेद है, जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।